हेलो ऑल ऑफ यू, आई वेलकम यू ऑन योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल मनोज जांगिर क्लासेस। और आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो है हम करने वाले हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के बीच में। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन मतलब काफ़ी स्कूल्स में मैंने देखा है, टीचर्स काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछते हैं, स्टूडेंट्स को इस चीज़ का आइडिया नहीं होता एंड समटाइम्स स्टूडेंट फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वाइल राइटिंग द आंसर, क्योंकि वो नहीं फॉर्म करना पड़ता है फिर लिखना पड़ता है, तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो इट्स माय पर्सनल सजेशन फॉर द स्टूडेंट्स कि अगर आप ये चैप्टर कर रहे हैं तो इस पॉइंट को थोड़ा अच्छे से कीजिए, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता जा रहा है ये टॉपिक। काफ़ी टीचर्स ने इस टॉपिक को देना शुरू कर दिया है आजकल और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है स्टूडेंट्स को इसके बारे में। तो यहाँ पर मैंने, क्योंकि मेरे पास इतना स्पेस नहीं है, तो मैंने जस्ट DPI और IOI लिखा है, इसको मैं जस्ट बता देना चाहता हूं, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन एंड इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। ये इस तरीके से आप जो है इसे समझ सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है मीनिंग, देन फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ओरिजिनलिटी, एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, कॉस्ट, ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर्स। एक एक करके इसके बारे में स्टडी करते हैं हम लोग। अगर मैं बात करूं मीनिंग की, तो मीनिंग का डिफरेंस क्या होता है, देखिए। डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन रेफर्स टू दैट मेथड इन विच इंफॉर्मेशन इज डायरेक्टली कलेक्टेड फ्रॉम दी इन्फॉर्मेंट्स लाइक द कंसर्न पर्सन बेसिकली। तो हम डायरेक्टली उससे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट जो है इंफॉर्मेंट्स के साथ पॉसिबल होता है। वेयर इज इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन में हम लोग वी कलेक्ट द इंफॉर्मेशन from the related parties, basically third parties, those who possess the information about a concerned person or about the topic of our study, उसके बारे में जिसके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है। तो यहां पर किसी थर्ड पार्टी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन के अंदर। ये मीनिंग जो है, इसका डिफरेंस दोनों में आपको मैंने बताया। इसके बाद फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन की बात करते हैं। इफ आई टॉक अबाउट फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो DPI के अंदर जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है वो रिलेटिवली स्मॉल होती है। और अगर मैं बात करूं यहां पर ये IOI के बारे में, तो यहां पर जो फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो थोड़ी लार्ज होती है या लार्जर होती है एज कंपेयर टू DPI यानी डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। ओरिजिनलिटी की, तो यहां पर जो डेटा होता है ये इट इज ऑफ ओरिजिनल कैरेक्टर, क्योंकि ये जो है इंफॉर्मेशन हमने डायरेक्टली कलेक्ट की होती है, ओरिजिनल कैरेक्टर का होता है, क्योंकि कंसर्न पर्सन से हम लोगों ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है। वेयर इज इफ वी टॉक अबाउट इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन, तो यहां पर इट लैक्स ओरिजिनलिटी थोड़ी कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि यहां पर हमने कंसर्न पर्सन से नहीं पूछा, मतलब थर्ड पार्टी से हम पूछ के और वो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। तो जो ओरिजिनल जो कैरेक्टर ऑफ ओरिजिनलिटी जो है वो यहां पर थोड़ी सी कम हो जाती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास एक्यूरेसी और रिलायबिलिटी। देखिए यहां पर जो इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट की होती है, तो डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन के अंदर जो है ज्यादा रिलायबल और एक्यूरेट होती है। जबकि अगर हम बात करें IOI के बारे में, तो उसमें जो है ये इंफॉर्मेशन थोड़ी कम रिलायबल होती है। तो यहां पर हाई रिलायबिलिटी, हाई डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी आप कह सकते हैं, एंड यहां पर लो डिग्री ऑफ रिलायबिलिटी एंड हाई डिग्री, लो डिग्री ही जस्ट यहां पर लिख देता हूं मैं इस तरीके से, तो दैट वुड बी गुड, आप समझ पा रहे होंगे। इसके अलावा अगर हम बात करें कॉस्ट की, तो ये जो है थोड़ा सा जो है कॉस्टली मेथड होता है, क्योंकि आप डायरेक्टली जाकर कलेक्ट कर रहे हैं कंसर्न पर्सन से, जबकि ये जो है लेस कॉस्टली होता है। यहां पर लेस कॉस्टली होता है। एक और चीज जो यहाँ पर सामने आती है, लाइक मोस्ट ऑफ द बुक्स में अगर आप देखेंगे तो ये इस तरीके के, मतलब ये चार ही आपको डिफरेंसेस मिलेंगे। ये जो मिडिल फोर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं, सिर्फ ये डिफरेंसेस मिलेंगे, लेकिन मीनिंग का भी अपने आप में एक डिफरेंस होता है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूं ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर, तो डोंट फॉरगेट दिस थिंग कि अगर आप डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन से कोई इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं, देन द इन्वेस्टिगेटर मस्ट बी वेरी वेल वर्स्ड इन द लैंग्वेज, कल्चर एंड बहुत ज्यादा डिलीजेंट होना चाहिए, बहुत ज्यादा पेशेंट होना चाहिए, टैक्टफुली जो इन्फॉर्मेशन को गैदर कर सके। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन एक ट्रेंड इन्वेस्टिगेटर में होना बहुत ज्यादा जरूरी है, जो रिक्वायर्ड होता है डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में। वेयरएज सच काइंड ऑफ फीचर्स आर बेसिकली आई शुड से रिक्वायर्ड, तो नहीं बोलूंगा मैं, डिजायर्ड बोलूंगा यहाँ पे। दीज फीचर्स आर डिजायर्ड इन इन्वेस्टिगेटर इन केस ऑफ इनडायरेक्ट ओरल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अगर वहां पर ये सारे फीचर नहीं भी होते हैं या यू नो ऑफ ये एक कम डिग्री के भी होते हैं तो भी ये एक्सेप्टेबल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आई होप ये सारी डिफरेंसेस आपको समझ में आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड प्लीज कमेंट ऑन दिस वीडियो कि कैसा लगा, क्या आप और क्या क्या किस तरीके की वीडियोस देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पर पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि आपका रिस्पॉन्स ही है जो हमें मोटिवेट करता है इस तरीके के इंफॉर्मेशनल एजुकेशनल वीडियोस बनाने के लिए। और जितना अच्छा रिस्पॉन्स आपका आएगा उतने ज्यादा वीडियोस आपको इस तरीके से फ्यूचर में मिलने वाले हैं। सो अगर आप हमें हमारे सोशल अकाउंट्स को फॉलो करना चाहते हैं, मनोज जांगिर क्लासेस FB और इंस्टा अकाउंट हमारा अवेलेबल है, आप जाकर वहां पे हमारे पेज को लाइक कर सकते हैं। अकेडमिक ट्रबल शूटर्स एक और पेज है हमारा फेसबुक पर, जिसे आप अगर चाहें तो लाइक कर सकते हैं। वहां पर इस तरीके के वीडियोज और ये सारी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को प्रोवाइड करता रहता हूं, जिससे आप हमारे टच में रहें। और तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप स्टार्टिंग एंड कीप शेयरिंग। सी यू नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग।